सीएम मनोहर लाल की इस तस्वीर ने हरियाणा में मचाई खलबली। सियासी मैदान से लेकर हर गली मोहल्ले में है इस तस्वीर की चर्चा। आखिरकार क्या है धोती कुर्ता और लट लिए खट्टर की इस तस्वीर का मतलब? किसी ने बताया पीछे छूटे लोगों की सुरक्षा और उनके हितों की रक्षा का प्रतीक, तो किसी ने सरकारी योजनाओं को लोगों तक पहुंचाने का प्रतीक। जी हां, आज हम एक नए और अनूठे विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं। दरअसल पिछले कुछ दिनों से एक जो आपको अपनी स्क्रीन पर दिखाई दे रही है, इस तस्वीर में दिखाई दे रहे शख्स को आप पहचान तो गए होंगे, नहीं पहचाने तो हम बता देते हैं। यह है हरियाणा में मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर, जिनके इस तस्वीर को लेकर हरियाणा में काफी चर्चा छिड़ी हुई है। हर गली नुक्कड़ पर इसी को लेकर बहस चल रही है। यह तस्वीर एक प्रतिष्ठित मैगजीन के कवर पेज पर छपी है और सारा बवाल इसी को लेकर हो रहा है। खट्टर साहब की तस्वीर कुछ यूं है कि बहुत सारे लोगों की नजर में उनकी वेशभूषा किसी को परछाई की तरह लग रही है, जो हजम नहीं हो रही। वो पगड़ी के साथ धोती कुर्ता पहने हुए हैं और उनके हाथों में लठ है। ये तो हम सब हरियाणा वासी समझते हैं कि हरियाणा में लठ का मतलब क्या होता है, और एक साथ पगड़ी और लठ इसकी पहचान रही है। दरअसल जो व्यक्ति पिछले 9 सालों से हरियाणा जैसे प्रदेश में तमाम राजनीतिक चुनौतियों और तथाकथित साजिशों को धत्ता बताते हुए शासन कर रहे हों, तो हमें ये समझ नहीं आ रहा कि हमारे हेडमास्टर साहब को ऐसी तस्वीर खिंचाने की जरूरत क्यों आन पड़ी। हमारे दिमाग में तमाम सवाल चल रहे थे। हमें ये भी समझ नहीं आ रहा था कि ये लठ वाली ऐसी तस्वीर खिंचाई ही क्यों। जब हमें हमारे सवालों के जवाब समझ नहीं आए, तो फिर हमने भी सीधे ही फोन मनोहर लाल के मीडिया सलाहकार राजीव जेटली को घुमाया और पूछा कि खट्टर साहब की इस लठ का मतलब क्या है। हमारे सवाल के जवाब में राजीव जेटली ने जवाब देते हुए बताया कि खट्टर साहब का लठ दबंगई का नहीं, बल्कि गरीबों, पिछड़ों, दलितों, महिलाओं और हर समाज में विकास की दौड़ से पीछे छूट गए लोगों की सुरक्षा और उनके हितों की रक्षा का प्रतीक है। ये लठ निर्विरोध गति से विकास को घर घर पहुंचाने का प्रतीक है। राजीव जेटली कहते हैं कि मनोहर लाल के विकास रूपी लठ ने हरियाणा को केरोसिन मुक्त प्रदेश बनाया, देश में सबसे अधिक पढ़ा लिखा पंचायत वाला राज्य बनाया, ओडीएफ स्टेट बनाया, पंचायत में महिलाओं को 50% आरक्षण देने वाला राज्य बनाया, खेलों में सबसे अधिक अंतर्राष्ट्रीय पदक जीतने वाला प्रदेश बनाया और इंफ्रास्ट्रक्चर एवं उद्योगों में देश का एक अग्रणी राज्य बनाया। राजीव जेटली कहते हैं कि जब हरियाणा के 10वें मुख्यमंत्री पद पर प्रतिष्ठित हुए तो कईयों को संदेह था, लेकिन मनोहर लाल ने सबकी शंकाओं को पीछे छोड़ते हुए हरियाणा में ईमानदारी, विकास, सेवा और सुशासन का ऐसा लठ गाड़ा कि एक ओर तो विपक्ष के तमाम राजनीतिक शुरमा धाराशायी हो गए और दूसरी तरफ हरियाणा वासियों ने पहली बार अनुभव किया कि किस तरह उनके बीच से निकला संघर्ष में तपके निखरा हुआ एक व्यक्ति गरीबों के लिए जीता है, उनके कल्याण के बारे में सोचता है। हमें राजीव जेटली के जवाब को सुनकर एक बारगी ये लगा कि अब ये फोटो आ गई है तो जेटली साहब की तो जॉब ही है अपने नेता और उसके लठ को डिफेंड करना। तो हमने कुछ और लोगों से बात करने की सोची ताकि इस तस्वीर की असल सच्चाई हमें भी समझ आ सके और हरियाणा की जनता को भी। साथ ही हमने ये भी डिसाइड किया कि अब राजनीतिक व्यक्ति को कॉल नहीं करेंगे, क्योंकि भाजपा वालों से पूछेंगे तो वो मुख्यमंत्री की छवि गढ़ेंगे और अगर कांग्रेस वालों को पूछेंगे तो वो उनकी छवि का चीर हरण करेंगे, क्योंकि ये तो उनका काम ही है। तो फिर हमने कुछ समाज सेवियों के पास फोन किया, पूछा कि इस लठ और पगड़ी का कार्यकाल के अंतिम वर्ष में क्या महत्व है। समाज सेवी ने बताया कि हरियाणा में भाजपा की मनोहर लाल सरकार से पहले की सरकारों ने जात पात का जहर घोलकर भाईचारे को छिन्न भिन्न करने का काम किया। इसके कारण समाज में टकराव चरम पर था, समाज में एक दूसरे के बीच बड़ी खाई पैदा हो गई थी, भ्रष्टाचार चरम पर था, कानून व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी थी। ऐसे समय में जब मनोहर लाल ने हरियाणा की कमान संभाली तो उन्होंने सबसे पहले दो बातों को अपना लक्ष्य बनाया। पहला कि ये समाज के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति, हर गरीब पिछड़े के हितों की रक्षा करनी है, और दूसरा ये कि प्रदेश में कानून व्यवस्था को दुरुस्त करना है। ये लठ इसी का प्रतीक है। मनोहर लाल ने शुरू से ही परिवारवाद, क्षेत्रवाद और वर्गवाद से ऊपर उठकर प्रदेश के विकास के लिए हरियाणा एक हरियाणवी एक नीति को अपना सिद्धांत बनाया।
तो इसके लिए उन्होंने बिना किसी की परवाह किए सामाजिक समरसता को समाज में घोलने का बीड़ा उठाया और खड़े हो गए लठ लेकर गरीबों पिछड़ों और दबे कुचलों की रक्षा के लिए। यह लठ हरियाणा की ठेठ राजनीति या दबंगई का नहीं बल्कि गरीबों की रक्षा का प्रतीक है। विकास के दौड़ में पीछे छूट गए लोगों की सेवा का प्रतीक है, अपराधियों से लोगों की रक्षा का प्रतीक है और दिल से एक किसान के हरियाणा के विकास की जिद का प्रतीक है, जिसमें हरियाणा की मिट्टी की खुशबू है और हरियाणा वासियों के प्रति सेवा का भाव है और पगड़ी सम्मान का प्रतीक तो है ही। इसीलिए ये फोटो में कोई अजीब बात नहीं है, यह हरियाणा को विकास के रास्ते पर ले जाने की कहानी है। समाज सेवी के मुताबिक लोग बातें बनाते रहे, राजनीतिक विरोधी उन्हें पद से हटाने की साजिशें रचते रहे, नकारात्मक मानसिकता वाला एक वर्ग उनके बारे में नेगेटिव एजेंडा चलाता रहा, लेकिन हरियाणा का मनोहर लाल इन सब बातों से दूर हरियाणा के विकास की अपनी धुन में लगा रहा। एक योजना का उदाहरण देते हुए उन्होंने कहा, परिवार पहचान पत्र का लठ शुरू हुआ तो न सिर्फ भ्रष्टाचार का लीकेज खत्म हुआ बल्कि सरकारी योजनाओं का लाभ हर हरियाणवी को मिलना भी सुनिश्चित हुआ। इन सब के बाद हमने एक और समाज सेवी के पास फोन किया जिनका समाज में अपना अलग ही रुतबा है और उनसे जानने की कोशिश की कि कैसे मनोहर लाल के लठ ने हरियाणा में गरीबों पिछड़ों के हितों की सुरक्षा की। समाज सेवी ने बताया कि ये मनोहर लाल का लठ ही है जिसमें अंत्योदय सरल पोर्ट पर 54 विभागों की 675 योजनाएं और सेवाएं ऑनलाइन हुई तो डीबीटी योजना के तहत 141 योजनाओं के 36.75 लाख नकली या दोहरे लाभार्थियों को हटाकर 1,182 करोड़ रुपए की वार्षिक बचत की गई। ट्रांसफर पोस्टिंग का खेल खत्म हुआ, भ्रष्टाचार और लीकेज खत्म हुआ। उन्होंने कहा कि सीएम विंडो के जरिए 11 लाख से अधिक शिकायतों का समाधान हुआ, 25 लाख से अधिक परिवारों को लाल डोरा से मुक्ति दिलाकर उनके घर का मालिकाना हक दिया गया, पीएम आवास योजना के तहत लाखों लोगों के घर बनाए गए और हर घर में बिजली पानी शौचालय गैस और मुफ्त स्वास्थ्य बीमा पहुंचाया गया। मनोहर लाल के लठ ने निरोग हरियाणा योजना के तहत 32 लाख से अधिक गरीब लोगों के स्वास्थ्य की जांच सुनिश्चित की। मनोहर लाल के कृषि सुरक्षा लठ ने मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल के जरिए 12 लाख किसानों के खातों में पिछले 7 सीजन के 85,000 करोड़ रुपए दिए और डीबीटी के माध्यम से 12 लाख किसानों के खाते में फसल खरीद के 10,000 करोड़ रुपए डाले गए। इस लठ ने 20 लाख किसानों के खाते में पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 4,200 करोड़ रुपए भेजे, हर खेत तक पानी पहुंचाया, खेतों में 50,000 से अधिक सोलर पंप लगाए। मनोहर लाल के शिक्षा रूपी लठ ने ई लर्निंग को बढ़ावा देने के लिए 5.50 लाख टैबलेट बांटे। इतने में भी हमें तसल्ली नहीं हुई तो फिर हमने राह चलते कुछ स्थानीय लोगों से भी मुलाकात की और मनोहर लाल के लठ के बारे में बातचीत की तो विकास की एक नई राह से हमारा परिचय हुआ। लोगों ने बताया कि लठ है तो अच्छा है क्योंकि कम से कम उन्हें सरकारी सुविधाओं का लाभ तो मिल रहा है, वरना पहले तो सरकारी बाबू ही सब कुछ डकार जाते थे। लोगों ने कहा कि उनके परिवार को बड़े बड़े हॉस्पिटल में मुफ्त इलाज मिल रहा है, उनके चिरायु कार्ड बने हैं। कुछ महिलाओं ने कहा कि मनोहर लाल के आने के बाद से बेटी का भ्रूण हत्या बंद हो गई, ये मनोहर लाल का लठ ही है। 112 हेल्पलाइन सेवा पर मदद मिल रही है। युवाओं ने कहा कि पहले रोजगार के लिए चढ़ावा चढ़ाना पड़ता था लेकिन खट्टर साहब के लठ के कारण उन्हें बिना किसी चढ़ावे के नौकरी और रोजगार मिल रहा है। बहरहाल हम अमूमन सुनी सुनाई और हवा हवाई बातों में यकीन नहीं रखते लेकिन ग्राउंड रियलिटी पर तो यकीन करना ही पड़ेगा। हालांकि ये तो भविष्य की बात है कि मनोहर लाल की इस लठ वाली छवि की हरियाणा के अलग अलग क्षेत्रों में कितनी स्वीकार्यता है। ये लोकसभा चुनाव उसके बाद विधानसभा चुनाव में स्पष्ट हो ही जाएगा लेकिन इतना तो तय है कि मनोहर लाल के लठ ने हरियाणा के सस्टेनेबल डेवलपमेंट की एक बड़ी लकीर तो खींची दी है। खैर, सीएम खट्टर की इस तस्वीर को लेकर आप क्या सोचते हैं हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, सत्य खबर। सत्य खबर, सत्य सटीक बेबाक।